नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों का नवंबर 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश एकादश भाव में शनि केतु के साथ विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपके इनकम में रुकावट आ सकती है। हो सकता है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आए, इसलिए हर काम को बहुत बारीकी से कीजिए। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीयेश दशम भाव में विराजमान है, तो काम की जगह पर अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सब कुछ सही तरीके से आप करते रहें, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे, धन में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तृतीयेश मंगल जो है वो विराजमान है अष्टम भाव में, तो ऐसी अवस्था में पराक्रम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। ऐसा हो सकता है कि कोई भी आपको कुछ भी सुना के जाए और उसका आप जवाब ना दे पाए, अगर आप जवाब दें तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी इंसान कुछ भी बोले तो उसको बहुत ही संयमित रूप से और शांत होकर जवाब देना है। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थेश शुक्र जो है वो दशम भाव में विराजमान है, तो ऐसा हो सकता है कि घर में किसी काम को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हो, हालांकि वो काम आप ही को सॉल्व करना रहेगा और माता के सहयोग से कोई पुराना काम आपका बन सकता है। पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो बौद्धिक क्षमता आपकी काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है, हालांकि जो काम आप करेंगे उसमें आप बिल्कुल फोकस रहेंगे और अलर्ट भी रहेंगे। विद्यार्थीगण अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देंगे, स्पेशली जो लोग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में हैं उन लोगों को इस महीने काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश चंद्रमा जो है वो विराजमान है एकादश भाव में, तो शत्रुओं से लाभ विशेष रूप से मिल सकता है। कोई भी काम जो छोटी मोटी चीज़ों की वजह से अटका हुआ था, यानी पुराना काम, वो आपके हाथ में लग सकता है। कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल सही से करें। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश सूर्य जो है वो नीच के विराजमान है नवम भाव में, तो पत्नी से तो सहयोग मिलेगा और उनके हेल्प की वजह से आपके काम में जो रुकावट है या प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। अष्टम भाव में मंगल विराजमान है, तो एक्सीडेंट्स होने की संभावना है, किसी भी तरह की सड़क की दुर्घटना या सीढ़ियों से गिरने की वजह से या ऊंचाई से गिरने की वजह से चोट आपको लग सकती है, तो अपना ख्याल अच्छे से रखिए, हर चीज़ को पूरे अलर्टनेस के साथ कीजिए, क्योंकि सावधानी ही दुर्घटना से आपको बचा सकती है। नवम भाव में सूर्य विराजमान है, नवमेश दशम भाव में विराजमान है, तो कामकाज की जगह पर अच्छा खासा प्रेशर रहेगा, हालांकि अगर आप सही तरीके से फोकस होकर अपने काम को हर बारीकी के साथ करें तो आप किसी भी तरह के बैड इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। दशम भाव में शुक्र गुरु और बुध विराजमान है, तो कामकाज की जगह पर प्रेशर अच्छा बना रहेगा, इसलिए बिल्कुल फोकस होकर अपना काम कीजिए। कोई भी लापरवाही, स्पेशली अगर आपके शत्रु आपके काम को बिगाड़ना चाहें, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए। एकादश भाव में चंद्रमा केतु और शनि विराजमान है, तो इनकम फ्लो शायद उतना अच्छा ना रहे, मतलब मेहनत इस महीने ज़्यादा हो सकती है, इनकम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगले ही महीने यानी दिसंबर के महीने में जो काम आप नवंबर में करेंगे उसका रिजल्ट आपको दिसंबर में मिल जाएगा। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश शनि जो है एकादश भाव में विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में जो लोग विदेशों से इनकम करते हैं, स्पेशली ऑनलाइन से इनकम करते हैं, उनको अच्छा खासा इनकम हो सकता है। किसी भी तरह के नशे से बचिए, अगर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं अकल्ट साइंस में, पराविज्ञान में, वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से निपटा पाएंगे और उनसे उनको काफ़ी लाभ भी होगा। ओवरऑल दो बातों का स्पेशल ध्यान रखना है, अपने शत्रुओं से बिल्कुल सावधान रहिए और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 10 बार सोचिए और हर एक चीज़ को बारीकी से कीजिए। उपाय के तौर पर गरीबों को वस्त्र दान कीजिए, कपड़े दान कीजिए, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जो ज़रूरतमंद हैं, स्पेशली जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको अगर भरपेट दो टाइम का भी भोजन खिला देना एक दिन, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये था कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों का नवंबर 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।